हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नई वीडियो में। फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, मुंबई के हैं, गुजरात के हैं, किसी भी राज्य के हैं आप, बिहार, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत के कोई भी नागरिक आप फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मात्र आप लोगों को एक फॉर्म भरना है और इस फॉर्म को भरने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ ले जाकर आपको जमा करना है। ऑनलाइन आसानी से आवेदन करके आप लोग जो है फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस फॉर्म को 2 मिनट में आप लोग भर सकते हो, सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना के 2022 केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे देश में निम्न व माध्यम वर्ग और खास करके महिलाओं के लिए कल्याण के लिए आए दिन नई नई योजना का शुभारम्भ होता रहता है। उसी प्रकार इसे, जी हाँ दोस्तों, इस बार भी हमारे देश के श्रमिक महिलाओं को कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नई योजना का शुभारम्भ हुआ है। उस योजना का नाम है फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना भारत के संपूर्ण राज्य में चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ हमारे देश की सभी गरीब श्रमिक महिलाएं उठा सकती हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी महिलाओं को उसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी महिलाओं को पहले इस योजना की पूरी जानकारी लेनी होगी। ठीक है, आज का लेख हम उन सभी गरीब और श्रमिक महिलाओं के तहत ही लेकर आए हुए हैं जो इस लेख के माध्यम से फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए प्राप्त होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसका लिंक आपको दिख रहा होगा, india.gov.in। ठीक है, यह वेबसाइट है। आपको यह वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से जो है इस वेबसाइट पर आकर कैसे ऑनलाइन करना है सारी जानकारी इस वीडियो में फुल डिटेल बताई गई है। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आज के इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, फिर आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। ठीक है, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि कोई महिला विकलांग या विधवा है तो विकलांग विधवा सर्टिफिकेट लगेगा। यदि कोई महिला, आप लोग जैसे कि सामुदायिक प्रमाण पत्र भी लगेगा। सामुदायिक प्रमाण पत्र एक आपको स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा, या तो आप लोग जो है जाति प्रमाण पत्र जो होता है वही सामुदायिक प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र लगा लीजिएगा, हो जाएगा। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे क्या क्या करना है, चलिए जान लेते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 का आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आप सभी को कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक होम पेज खुलेगा। होम पेज पर आप सभी उम्मीदवारों को एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर सभी उम्मीदवार क्लिक करेंगे। इस लिंक को क्लिक करने के बाद पश्चात आप सभी के सामने फ्री सिलाई मशीन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को सभी उम्मीदवार प्रिंट की मदद से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। भरने के बाद सभी दस्तावेज को, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना है, यानी साथ में मिला लेना है। मिलाने के बाद सभी जानकारियों को एक बार और ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इस आवेदन फॉर्म को सिलाई मशीन योजना के आधिकारिक कार्यालय, यानी आपको ब्लॉक कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिस, आप शहर के हैं तो गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करिएगा, और गांव के हैं, देहात के हैं तो कार्यालय ब्लॉक में जमा करिएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर में आपको आपके एड्रेस पर फ्री सिलाई मशीन पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।